गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भेड़िया आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बच्चा है या लड़का है और ये एक भेड़िया है। अब मैं आपको बताऊंगी होता क्या है इस भेड़िए और बच्चे के साथ। एक दिन की बात है कि जो लड़का है ये गांव में ऐसे ही अपने खेतों में घूमता रहता था और कुछ ना कुछ शैतानी करता रहता था। एक दिन इसने कुछ शैतानी करने के लिए कुछ ज्यादा ही सोच लिया और अचानक ही चिल्लाने लगा, भागो भागो भेड़िया आया। लोग डर गए और जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो वो इधर से उधर से आने लगे, ये सोच के कि ये बच्चा जो है ये मुसीबत में है, चलो इसको बचाया जाए। और जब लोग आए तो पता है बच्चों इस बच्चे ने क्या किया, ये हंसने लगा जोर जोर से, आहा मजा आ गया भाई मजा आ गया, सबको बेवकूफ बनाया। और लोग जो इसकी मदद करने के लिए आए थे वो वापस फिर चले गए। ऐसा एक दिन और हुआ, इसने फिर लोगों को बुलाया ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के, बचाओ बचाओ भेड़िया आया भेड़िया आया। लोग फिर वापस आए, फिर इसको देखने लगे कि कहाँ है ये बच्चा, कौन सा भेड़िया आ गया, लेकिन फिर भी भेड़िया नहीं था वहां। और ये बच्चे ने फिर से जोर से हंसा कि मजा आ गया, आज तो बड़ा मजा आ गया और हमने तो बेवकूफ बनाया। अब गांव वालों ने ये सोच के रखा था कि अब मैं या हम लोग कभी भी इसके पास नहीं जाएंगे, चाहे ये जितना भी चिल्लाए। और एक दिन ऐसा आया बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, कि वाकई भेड़िया आया और ये बच्चा मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। पर वहां कोई नहीं आया क्योंकि उन लोग को बुरा लगता था कि ये जो हंसता था उन लोग के ऊपर, इसलिए कोई बचाने नहीं आया और भेड़िया उस बच्चे को मार दिया। तो बच्चों आप लोग को ये कहानी में एक भेड़िया और बच्चा शैतान था, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्या आप लोगों को ये मॉरल समझ में आया, क्या इसकी नैतिकता समझ में आई? मॉरल ये है कि किसी भी समस्या में चाहे हम कितने भी पड़े हों, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आखिर क्या हुआ इस बच्चे का, ये हमेशा झूठ बोलता था और जिस दिन ये सच में हुआ, जिस दिन सच में भेड़िया आया, क्या इसको कोई बचाने आया? नहीं। तो हम लोग को किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। उम्मीद है बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये स्टोरी, ये छोटी सी कहानी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। थैंक यू।